नक्सलियों से भिड़ंत में कहां शहीद हुए सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट, कहां वकीलों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, बांके बिहारी मंदिर में कैसे हुई श्रद्धालु की मौत और कितने लाख किसानों के खाते में पहुंचे प्रधानमंत्री फसल बीमा की रकम। राष्ट्र और राज्यों की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप नाइन देश प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ 168 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए, साथ ही एक जवान भी घायल हुआ है। दरअसल पुतकेल के जंगल में मुखबिर ने सीआरपीएफ को नक्सलियों के होने की सूचना दी थी। सीएम बघेल ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। यूपी के उन्नाव में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के खेत से मिली युवती की लाश को लेकर सियासत तेज है। आज कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पीएल पुनिया भी उन्नाव पहुंचे और यहां मृत युवती के परिजनों से मुलाकात की। पीएल पुनिया ने इस दौरान प्रियंका गांधी की भी बात मृतका की मां से करवाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज 49 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से प्रधानमंत्री फसल बीमा की 7600 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस राज्य में किसानों का कल्याण नहीं होता था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अधिकारी कर्मचारी संघ और वकीलों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल तहसीलदार के खराब रवैये से वकील नाराज हैं और तहसीलदार के निलंबन की मांग कर रहे हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति को 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। बिल्डिंग से गिरते ही शख्स की मौत हो गई। सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक संथाना कृष्णन शेषाद्री एक बैंक में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। मिजोरम में बीएसएफ की 38वीं बटालियन ने एक्साइज और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक म्यांमार का नागरिक है। आरोपियों के पास से 1,30,000 से ज्यादा जावा टैबलेट मिली है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 6.52 करोड़ रुपए बताई गई है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामलों में आई गिरावट को देखते हुए लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया गया है। जिले में अब सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और जिम खोले जा रहे हैं। सभी शिक्षण संस्थान भी 14 जनवरी से खुल जाएंगे। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों में पूरी उपस्थिति के साथ कामकाज की इजाजत दी गई है। यूपी के मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में एकादशी के मौके पर आज भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सका। दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं का दम घुटने लगा। भीड़ के चलते एक श्रद्धालु वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। श्री रामानुज सहस्त्रबुद्धि समारोह में आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए। के मेगास्टार चिरंजीवी ने भी आज मुचिंतल श्री रामनगर समता मूर्ति के दर्शन किए। आज भीष्म एकादशी पर विशेष पूजा अर्चना भी की गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।